हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीडीके बायोवर्ल्ड। आज मैं फिर से आप लोगों के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आई गई हूँ डिस्कशन के लिए। एज ए समर स्पेशल हम लोग समर स्पेशल डिस्कशन तो कर ही रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबों में जो लिखा हुआ है वही एजुकेशन है और उसके बाहर जो है वो एजुकेशन नहीं है। ये असली बात नहीं है और ये हम तो बिलीव नहीं करते हैं। किताबों में बहुत अक्सर हम लोग बहुत कम चीज देखते हैं और बाहर हमारा एक्सपीरियंस से हमारा रोज वाले जो हर रोज हम लोग यूटिलिटीज है उससे ज्यादा चीज हम लोग सीखते हैं, उसी को हम एजुकेशन भी मानते हैं। वैसे ही एक चीज उनसे एक अच्छा टॉपिक आज हम लिए हैं डिस्कशन के लिए, वो यही है कॉपर के बारे में या तांबा के बारे में। हम लोग अपना लाइफस्टाइल हमेशा चेंज करते ही रहते हैं। जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल बदलते जाता है बहुत सारा चीजें हैं जो लाइफस्टाइल में इंक्लूड होते रहता है और बहुत सारा चीजें हैं जो लाइफस्टाइल से डिलीट भी होते रहता है। और आजकल हम बहुत कोई का, हमारा ही नहीं बहुत कोई का लाइफस्टाइल में कॉपर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। और जहां भी हम लोग देख रहे हैं कॉपर का यूटेंसिल ज्यादा आ गया है मार्केट में, कॉपर का बॉटल्स, कॉपर का गड़ा, कॉपर का वेजल्स, कॉपर का ग्लासेस, व्हाट नॉट, जितना सारा चीज पॉसिबल हो सकता है कुकरी आइटम्स में उतना सारा चीज हम लोग को कॉपर में अवेलेबल हो रहा है। ये कुछ नया चीज नहीं है, बहुत एंशियंट टाइम्स में मेटल जैसे कि कॉपर में ही बहुत कोई खाना बनाते थे, खाते थे, परोसते थे, पानी पीते थे। तो ये एक एंशियंट चीज ही है जिसको बीच में हम लोग प्लास्टिक जैसे आया हो, मेटल्स जैसे आया हो, इसको भूल गए हैं। और आजकल फिर से बहुत कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है इसीलिए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल में जितना भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग इंटेक कर रहे हैं शायद वो सब केमिकल से भरा हुआ है, इसीलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए तरह तरह का चीजें हम लोग खोज रहे हैं। वही खोज में हम लोग कॉपर को फिर से रीइन्वेंट करके मार्केट में लेके आ गए हैं। और बहुत कोई इसके बारे में सुना ही होगा बहुत बार, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो हम लोग को पता नहीं है कि क्यों एंशियंट टाइम से कॉपर यूज किया जा रहा था, फिर से क्यों हेल्थ को प्रमोट करेगा बोल के कॉपर को हम लोग क्यों कमर्शियलाइज कर दिए हैं। और कॉपर आजकल काफी कॉस्टली भी हो चुका है, फिर भी लोग इसको खरीद खरीद के क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक चैनल में, हर एक न्यूज़पेपर में हमेशा कॉपर बॉटल्स के बारे में डिस्कशन क्यों हो रहा है, ये सारा चीज के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे और कॉपर के पीछे जो फायदा है वो भी हम लोग आज जानकारी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक माई मॉम एंड माई मदर इन लॉ फॉर अ ह्यूज एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। चलिए आप पहले कॉपर क्या है ये सब जानते ही है। कॉपर एक मिनरल है यानी कॉपर एक मेटल है, लेकिन ये मेटल जो है हमारा बॉडी में इसका क्या यूज है। कॉपर हमारा बॉडी के लिए एक ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल का मतलब है जो मिनरल हमारा बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में। ट्रेस मिनरल मतलब बहुत कम मात्रा में जरूरी है, लेकिन हमारा बॉडी को इसे मैन्युफैक्चर करने का यानी अपने खुद से बॉडी को बनाने का कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ये मिनरल जो है इसको बाहर फूड से लेना पड़ेगा। तो अभी हम तो बोल रहे हैं कि बाहर फूड से लेना पड़ेगा, आप लोगों को जरूर ये डाउट आया होगा। फूड से लेने का मतलब है कि सिर्फ कॉपर का पानी पीने से ये मिलता है कि और सोर्सेस में भी है? सिर्फ कॉपर पानी से ही नहीं आता है, उसका पानी पीने से ही हम लोग को नहीं मिलता है, हमारा फूड सोर्सेस में भी यानी हमारा फूड जो हम लोग अक्सर कंज्यूम करते हैं उसमें भी कॉपर मिलता है। और वो फूड के बारे में हम लोग देखेंगे। वी गेट कॉपर फ्रॉम डाइटरी सोर्सेस सच एज सी फूड, ऑर्गेनिक मेटल्स, होल ग्रेन्स, लेंटिल्स, नट्स, सीड्स, चॉकलेट, सीरियल्स, पोटैटोस, पीस एंड सम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। चॉकलेट्स तो हम लोग अक्सर कंज्यूम करते ही रहते हैं, पीस भी कंज्यूम करते ही रहते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हाँ बहुत रेयरली बट कभी कभी कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आजकल का केमिकल भरा दुनिया में हम लोगों को ये सारा फूड मटेरियल से कॉपर मिलना बहुत ही काफी क्या बोलते हैं मुश्किल है, इसीलिए हम लोग और सोर्सेस को ढूंढ रहे हैं जहां पे हम लोग बॉडी को अपना कॉपर से प्रोवाइड करें और कॉपर का जितना भी फायदे है उठा सके। ये जितना भी हम फूड सोर्सेस के बारे में बोले हैं अगर ये कंज्यूम नहीं भी करें या कंज्यूम करें, अगर हम लोग एक छोटा सा ग्लास में रात में अगर पानी कॉपर ग्लास में रात में पानी अगर स्टोर करके सुबह उठने के बाद उसको पियेंगे, हर रोज ऐसा करेंगे तो हम लोगों का बॉडी में जितना भी ट्रेस मिनरल जो कॉपर है उसका फायदा हम लोग का बॉडी के लिए जितना चाहिए अमाउंट जितना चाहिए वो अमाउंट आराम से हमारा बॉडी में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कॉपर का बहुत ज्यादा फायदा है
है जो बहुत कोई जानते नहीं है, वो सारा फायदा क्या है हम वन बाय वन आप लोगों के डिस्कस करेंगे। और कॉपर का फायदा तो डिस्कस करते करते शायद दिन रात बीत जाएगा, इसीलिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फायदा है जो कॉपर कंज्यूम करने से या कॉपर वेजल्स इस्तेमाल करने से, कॉपर का बॉटल्स में पानी पीने से या कॉपर का थाली में खाना खाने से, ये सारा चीज करने से क्या क्या मिल सकता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेजरली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कॉपर बॉटल्स में पानी पीने के लिए या कॉपर में स्टोर किया हुआ पानी पीने के लिए, इसीलिए क्योंकि हम लोग तो हर कोई का बस का बात नहीं है आजकल का रश लाइफ में कि कॉपर बॉटम्ड वेजल्स यूज करिए, कॉपर का थाली इस्तेमाल करें, फिर हर चीज कॉपर से इस्तेमाल करें ताकि फिर उसको वॉश करने में तो इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम तो किसी के पास नहीं है और उतना पैसा भी सबके पास अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि कॉपर वेजल्स जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल स्टील वेजल से या प्लास्टिक से काफी हाई रेट में मिलता है। तो इसीलिए हम लोग ये जितना भी कॉपर है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पानी स्टोर करके उसमें स्टोर किया हुआ पानी को पीने से भी उठा सकते हैं, इतना खर्चा तो हम लोग अपना लाइफस्टाइल में ला ही सकते हैं, चेंजेस भी ला ही सकते हैं। कॉपर जो है इसका फायदा क्या है अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन स्टोर्ड कॉपर लीचेस इन टू वॉटर एंड हेल्प्स इन द प्यूरिफिकेशन, यानी अगर कॉपर का बर्तन में, घड़ा में या कॉपर का बॉटल में या कॉपर का ग्लास में, यानी तांबा का ग्लास में या कोई भी चीज में हम लोग पानी को स्टोर करेंगे, जितना भी ये मेटल में तांबा का मेटल आयोन्स होगा वो धीरे धीरे पानी में जाएगा। अगर हम लोग 4 घंटे से लेके ओवरनाइट पर इसको रख देंगे तो धीरे धीरे ये आयोन्स जो है वो कॉपर वाटर में चला जाएगा और जब हम इसको इनटेक करेंगे कॉपर इसके थ्रू हमारा बॉडी में चल जाएगा। और कॉपर जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्यूरिफिकेशन एजेंट है, यानी अभी तो हम लोगों के पास RO आ गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाटर प्यूरिफायर्स आ गया है, लेकिन पुराना जमाना में तो ये सारा चीज नहीं था, फिर भी वो लोग हम लोग से काफी हद तक हेल्दी रहते थे, वो लोग 100 साल से ज्यादा जीते थे। आजकल हम लोग का लाइफ टाइम तो आप लोग को पता ही है कि कितना हद तक गिर गया है। वो लोग करते क्या थे, वो लोग यही सब तांबा का गड़ा यूज करते थे, पॉट्स यूज करते थे जिसमें पानी को स्टोर करके सुबह सुबह उन लोग का फास्टिंग जो है उसको खोलते हैं, यानी रात में सोने के बाद सुबह जब उठते हैं एम्प्टी स्टमक में पानी पीना तो सब कोई ही करते हैं, लगभग 99% पीपल विल ड्रिंक वाटर, एटलीस्ट हाफ ग्लास ऑफ वाटर व्हेन दे वेक अप, जैसे पीते हैं तो कॉपर में स्टोर किया हुआ वाटर ही पीते थे ताकि उन लोग का पूरा बॉडी जो है स्टेरिलाइज हो जाए। और पानी जो है हम लोग ORO से जैसा इफेक्टिवली इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं वैसा ही अगर तांबा का गड़ा में रखेंगे या कॉपर वेसल में रखेंगे तब भी वो प्यूरिफाई हो जाएगा। दिस किल्स माइक्रोब्स इंक्लूडिंग माउल्स, फंगाई, ऑल्गे एंड बैक्टीरिया, यानी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये कॉपर जो है वो किल कर देगा जब हम लोग पानी को उसमें स्टोर करेंगे। इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द टॉक्सिन्स, यानी जो भी टॉक्सिन्स होगा हमारा बॉडी में एंटर हुआ होगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, न्यूट्रलाइज करने का मतलब उसका बैड इफेक्ट, उसका टॉक्सिसिटी जो है उसको रिड्यूस करने में भी ये कॉपर मदद करेगा। ड्रिंकिंग कॉपर वाटर ऑन एम्प्टी स्टमक हेल्प्स टू बैलेंस ऑल 3 types ऑफ दोषस ऑफ आयुर्वेदा, जैसे कि आयुर्वेदा में हम लोग अगर बात करेंगे तो बोला जाता है कफा, वाता एंड पित्ता, दीज आर द 3 main दोषास ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि कॉफ हो, हीट हो, कोल्ड हो और गैस हो, ये सारा चीज जो है आयुर्वेदा में ऐसा कहा जाता है यही सब बॉडी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि हम लोग अगर एम्प्टी स्टमक में कॉपर एनरिच्ड पानी अगर पियेंगे तो ये सारा दोषास जो है निकल जाएगा, यानी हम लोग काफी हेल्दी बन जाएंगे। This helps metabolic processes to function properly, यानी ये metabolic processes जितना भी हमारा body में है वो सारा processes को अच्छा से function करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ it will kill harmful bacteria in stomach and intestines and helps digestive system perform better, यानी ये जितना भी हमारा stomach में, हमारा intestine में जितना भी harmful microorganisms present है वो सारा microorganisms को ये मार देगा, साथ ही साथ हमारा digestive health को भी इंप्रूव करेगा, यानी हमारा डाइजेशन को भी ये इंप्रूव कर देगा। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन विद इन द स्टमक, अगर स्टमक में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो उसको भी ये रिड्यूस कर देगा। इट रिड्यूसेस द अल्सर्स एंड डिटॉक्स योर इंटेस्टाइन्स इन स्टमक, यानी अल्सर्स अगर है स्टमक में, अगर आप लोग ज्यादा मिर्चा खाते हैं, कभी कभी आप लोग का स्टमक फूल गया, स्वॉलन हो गया हो या उसमें कुछ अल्सर्स हो, उस टाइम पे भी ये जो है न्यूट्रलाइज कर देगा वो इफेक्ट्स को और आपका स्टमक को काफी हेल्दी रखेगा और अपना इंटेस्टाइन्स को भी काफी हेल्दी रखेगा। साथ ही साथ
साथ ये स्टमक को डिटॉक्स करेगा ही, उसके अलावा लीवर और किडनीज को भी ये डिटॉक्स करेगा, क्योंकि जितना भी हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स होगा अक्सर वो जाके किडनीज और लीवर में ही डिपॉजिट होते रहेगा बहुत ज्यादातर। इसीलिए लीवर और किडनीज को भी अक्सर डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपर का वाटर, कॉपर स्टोर्ड वाटर जो रेगुलरली इंटेक करने से हमारा लीवर और किडनी का हेल्थ भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ ये वजन घटाने में यानी वेट लॉस में काफी हेल्प करेगा, मदद करेगा, क्योंकि कॉपर के पास ऐसा एक शक्ति है जैसा कि वो बैड फैट्स, अनएसेंशियल फैट्स है उसको हटा देगा। और साथ ही साथ जैसे ही हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जितना मटेरियल डाइजेस्ट होगा उसमें थोड़ा मटेरियल तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी मटेरियल फैट जैसा स्टोर होते जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कॉपर को इंटेक करेंगे रेगुलरली, कॉपर एनरिच्ड वाटर पीते रहेंगे, तब ये कॉपर जो हमारा बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा वो फैट्स में, मतलब जो अनयूज फूड मटेरियल है जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो फैट में कन्वर्ट होगा वो फैट को कन्वर्ट होने में रोक देगा और उसको हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम्स पे बाहर निकालने का कोशिश यानी मदद करेगा। इसीलिए जैसे कि हम लोग ये पानी पिएंगे हमारा वेट लॉस में भी ये काफी ज्यादा मदद करने वाला है। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन हीलिंग वूंड्स फास्टर। जैसे कि ये कॉपर में एक कैपेसिटी है वो है सेल प्रोलिफरेशन कैपेसिटी, यानी सेल्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने में हमारा बॉडी को मदद करते रहेगा। इसीलिए जैसे कि नया सेल ज्यादा आते रहेंगे इसमें वूंड हीलिंग कैपेसिटीज भी ज्यादा है, और जैसे कि हम लोग जाने हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इसीलिए हमारा वूंड्स को जल्दी ये हील कर देगा। इट विल स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम, यानी हमारा रोग निरोधक शक्ति जो बोलते हैं उसको ये स्ट्रेंथन करेगा। इट स्लोज डाउन द एजिंग, बहुत कोई एजिंग के लिए यानी अपना एज को छुपाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स के पास घूमते रहते हैं, ये सब करने से अच्छा जैसे कि यंगस्टर्स है, अभी स्टूडेंट्स है, सबको एक बचपन से ही हर रोज सुबह उठते उठते खाली पेट में कॉपर बॉटल या कॉपर वेजल में स्टोर किया हुआ एक ग्लास का मिनिमम पानी पीने का आदत डाल दीजिएगा, तो कहीं ब्यूटी पार्लर्स में ज्यादा घूमने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन कम से कम वो सबसे बच जाएगा, इसीलिए अभी हम लोगों को भी अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट प्रमोट सेल फॉर्मेशन, यानी हमारा बॉडी में सेल फॉर्मेशन में ये ज्यादातर मदद करेगा। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर, यानी ये ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इट लोअर्स द बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, जैसे कि हम लोग बोले ये कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी में एक्यूमुलेट करने में हार्ट अटैक का चांसेस को भी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लेगा। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर्स एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स तो आजकल हम लोग ढूंढ ढूंढ के लेते हैं, जैसे कि ग्रीन टी में है कि नींबू में है, कहां एंटीऑक्सीडेंट्स है जहां हम लोग वो फूड सोर्स को उठा के ले लेते हैं, ठीक उसी तरह कॉपर का पानी पीने से भी हम लोगों को रिच एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द कैंसर्स टू। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी हमारा इन्फेक्शन से बॉडी को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेगा। इट रेगुलेट्स थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग, आजकल वुमेन में बहुत ही रेगुलर कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड को भी रेगुलेट करने में और थायराइड को आने से बचाने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। इट रिड्यूसेस एंड प्रिवेंट्स आर्थराइटिस एंड ज्वाइंट पेन्स, ये इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इसलिए इन्फ्लेमेटरी ज्वाइंट्स को, ज्वाइंट पेन्स को, आर्थराइटिस को कम करने में भी ये ज्यादा मदद करेगा। इट इम्प्रूव्स स्किन हेल्थ एंड मेलेनिन प्रोडक्शन, हमारा स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ मेलेनिन प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। इट रिड्यूसेस एनीमिया, यानी हमारा बॉडी में अगर ब्लड का कमी हो उसको ये रिड्यूस करेगा, यानी हमारा ब्लड लेवल्स को भी ये काफी अच्छा लेवल पे मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। देखिए कितना सारा मेन फायदा है, और ऐसा बोलते जाएंगे तो हम लोगों को टाइम ही बस नहीं होगा, इतना सारा फायदा होगा, ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुका है इसीलिए हम यही पे इसको रोकना चाह रहे हैं। इतना में ही आप लोगों को शायद समझ में आ ही गया होगा कि सुबह सुबह क्यों हम लोग को तांबा में स्टोर किया हुआ पानी पीना चाहिए और अक्सर घर में तांबा का मटेरियल को रखना क्यों चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग अपने यूटेंसिल्स हर चीज को रिप्लेस कर दे और सिर्फ तांबा का ही यूज करें, हम पर इतना कहना चाह रहे हैं जो घड़ा आप लोग घर में यूज करते हैं वो स्टील का ना ले, थोड़ा कॉस्टली है फिर भी डॉक्टर के पास जाके पैसा खर्चा करने से तो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इसीलिए आप लोग तांबा का गड़ा ले लीजिए, तांबा का बॉटल्स ले लीजिए, तांबा का ग्लासेस ले लीजिए, रात में इसमें पानी को स्टोर करके सुबह सुबह पी लीजिए और तांबा में स्टोर किया हुआ पानी को ही फिल्टर्स में डाल दीजिए,
बॉटल्स में डाल के रेफ्रिजरेट कर लीजिए, इसी पानी को खाने में इस्तेमाल कर लीजिए। इसी तरह छोटा मोटा चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेके आइए ताकि आप लोगों को जितना भी कॉपर है उसका सारा फायदा मिले और नेक्स्ट जनरेशन हम लोग का काफी हेल्दी और स्ट्रांग बने, हम लोग उनसे काफी हेल्दी और स्ट्रांग बने। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पीली विद अ मिनिमल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल। होप यू लाइक दिस वीडियो अलॉट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन प्लीज प्रेस बेल आइकॉन। और इसी तरह कुछ अच्छा नया टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहिए प्लीज कमेंट्स करके मेंशन कर लीजिएगा, और या तो आप हम लोग को मेल भी कर सकते हैं। और मेरे व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें मेल करके जरूर बता रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो बहुत कोई देखेगा भी कि आप लोग क्या रिक्वेस्ट किए हैं और इसके अगेंस्ट हम लोग किस तरह से रिएक्ट करके वीडियो बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।